Hi, this is Tamoghna Ghosh. I am currently a fifth semester MBBS student at AIIMS New Delhi. Since most of my viewers are either preparing for their medical entrances or they are currently in medical colleges, I felt that this video is very much necessary to reveal you the truths about MBBS. MBBS में असल में क्या होता है, क्या reality है और जो आपको बताया जाता है, सारा चीज सही नहीं होता है. So this video is to make you aware of all the things. Video pura dekhna, beech mein don't form any conclusions. And through this video, I am not at all telling you not to study MBBS. ठीक है? मैं MBBS का negatives भी बताऊंगा, positives भी बताऊंगा. तो negatives को सुनके ये मत सोचना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि MBBS मत करो. तो video पूरा देखना, ठीक है? So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि आप जो कोचिंग में जाते हो, कोचिंग में आपको ये बताया जाता है कि बेटा अब 11, 12 में अच्छे से मेहनत करो, आप नीट में अच्छा रैंक लेके आओ, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपका लाइफ सेट है और आपको उतना ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है. ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है. देखो, 11, 12 में अच्छे से मेहनत करना है, तभी जाके आपका नीट में एक अच्छा रैंक आएगा, को एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने वाला है. लेकिन आफ्टर टेकिंग एडमिशन इनटू एमबीबीएस आपको और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है. ठीक है, जो सिलेबस होता है वो 11, 12 के करिकुलम के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है, कम तो नहीं होता है. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट मिसकंसेप्शन कि एमबीबीएस कॉलेज में आके आपको और ज़्यादा पढ़ाई करना है. ऐसा नहीं कि लाइफ चिल है. ठीक है, और भी ज़्यादा पढ़ाई करना है. अब सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपका रेगुलर टेस्ट होता रहेगा, आपको रेगुलर वाइवा देना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. तो इसमें ये जो कॉलेज लाइफ होता है, इसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है स्कूल लाइफ के कंपैरिजन. तो स्कूल लाइफ में क्या होता है, हम पहले से पढ़ के आते हैं, एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं. लेकिन कॉलेज लाइफ में सिलेबस इतना ह्यूज होता है कि रिवीजन दूर की बात, एक बार सिलेबस पूरा ख़त्म करना है, इट्स अ चैलेंज इन इटसेल्फ. ठीक है, तो ऐसा भी होता है एग्ज़ाम के पहले पूरे रात आप पढ़ रहे हो, बिना सो के आप एग्ज़ाम दे रहे हो. ये तो बहुत ही कॉमन है, स्पेशली इन मेडिकल, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो लाइफ चिल नहीं है, फिर से बता रहे हो, लाइफ चिल नहीं है. और वाइवा में भी प्रोफेसर्स हमसे कभी कभार बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, जितना मतलब उतना नहीं हो पाता है. और एज अ रिज़ल्ट हम दुखी हो जाते हैं कि स्कूल लाइफ में हम टॉपर थे और अब क्या हो गया. इस रिगार्डिंग में और एक बात कहना चाहूँगा, देखो जो भी जिनका भी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, वो लोग अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, दे आर एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, और वो मतलब मोस्ट प्रोबेबली दे वर टॉपर्स इन देयर स्कूल्स एज वेल. लेकिन मेडिकल कॉलेज में जब आप घुसे हो, सारे जो स्कूल के टॉपर्स हैं सब आए हैं. सो यू आर अमंग द टॉपर्स, यू आर नो डिफरेंट. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आप स्कूल में टॉप कर रहे थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आके यू आर नॉट इवन अमंग द 50th परसेंटाइल. ठीक है, तो यू आर परफॉर्मिंग बिलो एवरेज, ऐसा भी हो सकता है. तो इसमें डिप्रेस होने वाली कोई बात नहीं है, सैड होने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ नेचुरल नॉर्मल प्रोसेस. एम्स में, जैसे एम्स दिल्ली में पढ़ता हूँ, यहाँ पे भी जो बच्चे हैं, दे आर द क्रीम्स ऑफ द कंट्री, दे आर द बेस्ट इन देयर, दे वर द बेस्ट इन देयर कोचिंग, इन देयर स्कूल्स. बट यहाँ आके कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी. और अगर आप में ये ईगो है, नहीं मैं टॉपर था, मैं टॉपर ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो शायद आपको ये ईगो तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, इट्स नॉट एवरी टाइम पॉसिबल टू बिकम अ टॉपर ड्यू टू द ह्यूज सिलेबस, ड्यू टू द ह्यूज बर्डन ऑफ द कोर्स वर्क. ठीक है, सो दिस इज़ अ रियलिटी आई वॉन्ट टू रिवील टू यू. फिर आता है अबाउट द लाइफ ऑफ MBBS. तो जो हमें दिखाया जाता है मूवीज़ में या किसी और चीज़ में, वो इतना रंगीन नहीं है, लाइफ उतना रंगीन नहीं है, इट्स क्वाइट ग्रे मैं कहूँगा. क्योंकि देखो, सुबह से शाम तक आपको क्लास जाना होता है, प्रैक्टिकल जाना होता है, वर्ड्स जाना होता है,
वर्ड्स में जाके आपको पेशेंट्स देखना होता है सो एज टू गेट अ क्लिनिकल एक्सपोजर, ताकि आप जो किताब में पढ़ रहे हो यू आर सीइंग इट इन द रियलिटी, उससे आप बेहतर सीख पाओगे. ठीक है, तो पूरा दिन इसमें निकल जाता है और फिर शाम को थोड़ा ब्रेक मिलेगा आपको. तो आप पूरे दिन क्लास के बाद अब थक जाओगे तो थोड़ा रेस्ट ले लोगे और फिर अब रात को आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन जो पढ़ाया गया अगर वो आप नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम के पहले बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, बहुत ज़्यादा कोर्स आ जाता है एंड इट विल बी अ नाइटमेयर. तो आपको पढ़ना पड़ेगा शाम को, फिर आप खाना खा के सो जाओगे. सो देखो, जो हॉबीज़ होता है यू कैन परसू, ऐसा नहीं है परसू नहीं कर सकते, बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक घंटा दो घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं. और अगर आप उससे ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो तो इसमें आपका पढ़ाई जो है वो हैम्पर हो जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप उतना अच्छा चीज़ें सीख नहीं पाओगे. सो मतलब इट्स योर चॉइस, आप कौन सी डायरेक्शन लेना चाहते हो, आप कौन सी पाथ लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू. सो अगर आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, नॉलेज इज़ नेसेसरी. ठीक है, इट्स अ मिथ कि आप एग्ज़ाम्स में पुअरली स्कोर करोगे, बहुत बुरा स्कोर करोगे, फिर भी आप बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाओगे. देखो, क्लिनिकल स्किल्स मैटर्स अ लॉट, इट्स वेरी मच ट्रू, लेकिन क्लिनिकल नॉलेज भी तो आपको होनी चाहिए. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कहाँ से अच्छा डॉक्टर बनोगे, राइट? तो नॉलेज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और MBBS में पढ़ाई बहुत ज़्यादा है. देर आर टोटल ऑफ 19 सब्जेक्ट्स टू बी स्टडीड इन अ स्पैन ऑफ 4.5 ईयर्स. सारे चार साल में आपको 19 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा. तो यू कैन वेल इमेजिन हाउ मैमोथ, हाउ ह्यूज दिस इज़. ठीक है, सो दिस इज़ द ट्रूथ. सो डू बी प्रिपेयर्ड मेंटली टू फेस इट. और फिर जो हॉस्टल लाइफ होता है, देखो जब अब सब अपने फ्रेंड्स अपने बैचमेट साथ में रहोगे तो थोड़ी बहुत मस्ती हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो लिविंग कंडीशंस है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस उतना अच्छा नहीं होता है. आपको रूम शेयर करना पड़ता है, जैसे द रूम विच इज़ मेंट फॉर ओनली 1%, वो रूम में दो लोग अलॉटेड होता है, तीन लोग भी अलॉटेड होता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रूम्स इन मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस. ठीक है, तो आपको ऐसे क्राउडेड वे में रहना पड़ेगा. वॉशरूम्स भी अच्छा नहीं होता है, वो भी उतना साफ नहीं होता है एंड आप जो एरिया में रहोगे उसमें भी गंदगी रहता है, उतना क्लीन नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस. जैसे एम्स दिल्ली इज़ एन एक्सेप्शन इन दिस एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू एम्स फॉर दिस कि हमें सिंगल रूम्स मिलता है. ठीक है, और जो एरिया है काफ़ी क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू. फिर आते हैं कि MBBS के बाद क्या आपका फ्यूचर सेट है. बिल्कुल नहीं, MBBS इज़ जस्ट द स्टेपिंग स्टोन टू बिकम अ डॉक्टर. ठीक है, अगर आप सिर्फ MBBS डिग्री लेके आप सोचोगे आप बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है. ठीक है, क्योंकि MBBS में यू विल गेट अ जनरलाइज्ड ओवरव्यू. आपको फिर से स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा इन PG विच कैन बी MD विच कैन बी MS. MD मेडिसिन में होता है, MS सर्जरी में होता है, मोटा मोटा मैं कह रहा हूँ. और आफ्टर PG ऑल्सो यू विल बी अ गुड डॉक्टर, लेकिन अगर आपको और अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ DM और MCH. ठीक है, और सुपर स्पेशलाइजेशन में भी चीज़ें ख़त्म नहीं होते हैं, उसके बाद फेलोशिप्स वगैरह होते हैं. तो अगर आप इसको टाइम फ्रेम में देखोगे सो यू वोंट बी अ डॉक्टर अंटिल यू आर 30 ईयर्स ऑफ एज. अगर आप इसको इंजीनियर्स के साथ कंपेयर करोगे सो इंजीनियरिंग में कोई बंदा 21 या 22 साल में उसको नौकरी मिल जाता है और वो अच्छा खासा कमा लेता है और उसका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है. लेकिन अगर आप डॉक्टर बन रहे हो सो डू बी प्रिपेयर टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, एटलीस्ट. ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है. और जो सैलरी होता है वो उतना खास कुछ नहीं होता है. जैसे MBBS में क्या होता है, 5.5 ईयर्स का MBBS होता है, 4.5 ईयर्स होता है आपको पढ़ाई करना होता है, प्रोफेशनल एग्जाम्स पास करना होता है, उसके बाद एक साल आपको इंटर्नशिप करना होता है. उस इंटर्नशिप में आप कमा लेते हो डिफरेंट कॉलेजेस में, वो पे स्केल डिफरेंट है. इट कैन बी समवेयर अराउंड 10,000 पर मंथ टू समवेयर अराउंड से 23,000 पर मंथ. ठीक है, वो वेरी करते हैं. और PG में जाके, जैसे MD या MS में जाके
वो सैलरी थोड़ा इंक्रीज होता है, इट कैन बी समवेयर अराउंड 30,000 पर मंथ टू समवेयर अराउंड 1 लाख पर मंथ. वो कॉलेजेस पे डिपेंड करता है, वो आप कौन से स्टेट में हो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है. और डीएम या एमसीएच में सैलरी थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज होता है. और आफ्टर दैट यू विल जस्ट स्टार्ट टू प्रैक्टिस, और वेन यू जस्ट स्टार्ट तब आपका उतना अच्छा कमाई नहीं होगा, क्योंकि यू नीड टू बिल्ड योर नेम, ठीक है. अल्टीमेटली देखो, ये मैटर नहीं करता आप कौन से कॉलेज से हो, ये मैटर करता है आप पेशेंट्स का इलाज कितना अच्छे से कर रहे हो, पेशेंट्स आपसे सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है. देखो, ये भी हो सकता है आप बहुत टॉप कॉलेज से किए हो लेकिन यू आर अनेबल टू ट्रीट प्रॉपरली, कोई आपके पास नहीं आने वाला है. और ऐसा भी हो सकता है आप नॉट सो गुड कॉलेज से यू हैव डन योर डिग्री बट यू आर अ वेरी गुड क्लिनिशियन, पेशेंट्स आपके पास आएगा, ठीक है. सो दोज ऑफ यू हु आर नॉट इन द से टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस, नो नीड टू बी डिसहर्टेंड. अब अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से सीखो, अब पक्का अच्छा डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है. इट डजेंट रियली मैटर दैट मच. देखो, जैसे मैं एम्स दिल्ली में हूँ, यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन, सही यूटिलाइजेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. सो यह ज़रूरी नहीं कि एम्स से जो लोग MBBS कर रहे हैं सारे लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे. मोस्ट ऑफ देम एंड अप बिकमिंग अ वेरी गुड डॉक्टर बट सम ऑफ देम डोंट, क्योंकि दे मिसयूज़ द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है. सो इट्स अप टू यू, आपको वो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं वो यूज़ करना है या मिसयूज़ करना है, ठीक है. तो आप कहीं पे भी हो, चाहे आप एम्स दिल्ली में हो, चाहे आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे आप कोई भी स्टेट मेडिकल कॉलेज में हो, अगर आप फोकस्ड हो तो आप बिल्कुल अच्छा डॉक्टर बन पाओगे. इसके रेस्पेक्ट में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो लोग मेडिकल फील्ड में आते हैं दे डोंट कम एज सच बिकॉज दे हैव अ पैशन फॉर टू बी अ डॉक्टर, ठीक है. वो लोग इसलिए आते हैं कि फॉर द जॉब सिक्योरिटी. हाँ, यह सच है कि अगर आप एक डॉक्टर बन गए हो आप अबव एवरेज कमा लोगे, आप महीने में 50,000-60,000 कमा लोगे. मतलब जैसे कुछ सर्जन्स होते हैं जो एक दिन में 1 लाख भी कमाते हैं, तो वो रेयर केस होता है, उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन वैसे नॉर्मली आप एक महीने में 50,000-60,000 कमा लोगे एंड इन इंडिया दिस इज़ अ गुड इनकम, ठीक है. इंजीनियर्स को देखो, जो बोलते हैं 1 करोड़ पैकेज, वो बिल्कुल मिथ है, वो बहुत ही रेयरली मिलता है. जैसे एक साल में सपोज 3-4 लोगों को मिलता है, ठीक है. तो आपको पता ही है इंजीनियरिंग इंडिया में कितने लोग करते हैं, 2 लाख से ऊपर लोग इंजीनियरिंग करते हैं और उनमें से सिर्फ 3-4 लोगों को ही वो करोड़ वाला पैकेज मिलता है. तो इंजीनियर्स का जो एवरेज सैलरी होता है वो डॉक्टर से काफ़ी कम होता है. मान के चलिए महीने में इट विल बी 30,000-40,000 समवेयर, सब मिला के, सारे डिपार्टमेंट मिला के. तो उस रेस्पेक्ट में मेडिसिन में फ्यूचर तो सिक्योर है, लेकिन आपको 30 साल तक पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है. वेयर एज इंजीनियर्स 21 या 22 साल तक ही कर सकते हैं. तो इस फैक्ट को लेके बहुत सारे लोग डिप्रेस होता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे को इतना देर तक खींचना पड़ेगा एंड इट विल बी अ बर्डन टू मी. तो अगर आप ये मेंटालिटी लेके मत आओ कि मैं 2 साल पढ़ूंगा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, ऐसा नहीं. इट्स अ लॉन्ग रन प्रोसेस, इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस. सो डू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू स्टडी टिल 30 ईयर्स ऑफ एज एट लीस्ट, ठीक है. और कुछ लोग ऐसा करते हैं MBBS के बाद स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, कोई एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं, कोई बिजनेसमैन बन जाते हैं, कोई सिविल सर्विस में चले जाता है, कोई कुछ और कर लेता है. लेकिन दिस नंबर इज नॉट अ वेरी लार्ज नंबर अनलाइक इंजीनियरिंग. लाइक BTech के बाद बहुत लोग इंजीनियरिंग छोड़ के बहुत कुछ करता है, इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, डायरेक्टिंग अ फिल्म, ठीक है. लेकिन मेडिकल में ये बहुत ही रेयर है. तो डू बी प्रिपेयर्ड टू क्या बताओ, टू गो थ्रू दिस ग्रुएलिंग जर्नी. इसमें बहुत सारे लो फेजेस है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इट वोंट बी टू योर एक्सपेक्टेशंस. लाइक बहुत बार ऐसा होगा कि आप सिर्फ एग्जाम पास कर रहे हो, आपको जस्ट 50% पासिंग मार्क मिल रहा है, वेयर एज
cool, you didn't get anything below 95%, ठीक है? तो ऐसा भी होने वाला है, कभी कभार आप अच्छा भी करोगे, ऐसा नहीं हमेशा ऐसा बुरा होने वाला है, अच्छा भी आप करोगे, आप सीखोगे धीरे धीरे, और बहुत डांट पड़ने वाले हैं अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर से, ठीक है? और वो डांट को पॉजिटिव वे में लेना, उससे आप सीखना, ठीक है? इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और अगर आप पैशनेट हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, आप पक्का अच्छा डॉक्टर बनोगे, लेकिन आपको मेहनत करना है। दिस इज़ द रियलिटी। यहाँ पे जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अच्छा है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स, मोर सिक्योर्ड है विथ रिस्पेक्ट टू अदर्स। देखो, डॉक्टर्स की डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है। एज़ यू नो, इंडिया में पेशेंट टू डॉक्टर रेशियो कितना स्क्रूड है, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सो आपका जो नीड है, आपका जो डिमांड है, वो कभी कम नहीं होने वाला है, प्रोवाइडेड यू आर रेडी टू डू द थिंग्स फ्रॉम योर पार्ट। तो अच्छे से पढ़ो, और अब मतलब इफ़ यू आर फोकस्ड, अब पक्का अच्छा करोगे। सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू गाइज। तो अगर आप मेडिको हो या यू आर अ मेडिकल एस्पिरेंट, डू शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल, सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द ट्रूथ्स। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर वीडियोज लाइक दिस, एज वेल एज वीडियोज फॉर द टिप्स एंड स्ट्रेटेजीज टू क्लियर द मेडिकल एंट्रेंसेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।